हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हिना। सो अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियोस की अपडेट्स आएगी जो अपलोड मैं कर रही हूँ, आपको पता होगा कि डेली बेसिस में यहाँ पे पेपर वन के एमसीक्यू सीरीज़ 9 PM लाइव लेके आती हूँ। तो अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ डेली 9 PM आ जाना, और एमसीक्यू सीरीज़ 10 क्वेश्चंस रहते हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा पेपर वन में टॉपिक्स यहाँ पे आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाती हूँ और अनएकेडमी पे भी वीडियोस अपलोड करती हूँ उनकी। पेपर टू कॉमर्स के साथ में मैं डील करती हूँ। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपके जो भी टॉपिक्स, अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ आप चाहते हो जैसे टॉपिक मैं बना के लिए आपके लिए अपलोड कर दूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। उसके साथ में टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, चैनल का नाम है लर्न विद हिना, ठीक है? तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना। सो आप मुझे उसके अलावा अनअकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं एक एडुकेटर हूँ अनअकेडमी पे भी। जस्ट आप मेरा नाम टाइप करना वहाँ पे, हिना जैन, और आपको मेरी प्रोफाइल वहाँ से दिख जाएगी। सो आज की जो वीडियो है वो पढ़ाने नहीं वाली हूँ मैं आपको। बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, मोटिवेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये वीडियो प्योरली उनके लिए है जो डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं एंड फिर से मोटिवेटेड फील करके उतने ही जोश में फिर से पढ़ाई करना चाहते हैं। सो अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हो आपके एग्ज़ाम के लिए, जून 2020 एग्ज़ाम, आपका नेट एग्ज़ाम के लिए JRF चाहिए आपको, या नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है, और अगर आपको डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो आप, तो वीडियो स्पेशली आपके लिए है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप डीमोटिवेटेड हो तो मोटिवेटेड फील करने के लिए क्या करते हैं, चलो आप सबको मोटिवेट फील किया जाए। सो ऐसा स्माइल होना चाहिए आपकी ये वीडियो देखने के बाद। सो सबसे पहले आपको ये करना है, हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम इन योर जून 2020 अटैम्प्ट। सबसे पहले ये फिक्स कर लो कि आपको ये एग्जाम इस अटैम्प्ट में क्लियर करना है या नहीं करना है। अगर क्लियर करना है तो ये वीडियो आपके लिए है, अदरवाइज आप वीडियो बंद करके जा सकते हो। नेक्स्ट, आर यू रेडी फॉर इट। क्या आपका पूरा 24 आवर्स में से एटलीस्ट कुछ आवर्स, मान लो 4 to 6 आवर्स आपके नेट के प्रिपरेशन के लिए डेडिकेट कर सकते हो क्या? सबसे पहले आप आपके माइंड में ये डिस्कस कर लो, ये विचार बैठा लो कि अगर आपको ये करना है क्लियर तो आप इसमें इतना टाइम डालो। अगर बस ऐसे ही मान के चला है कि डेली एक एक दो दो घंटा पढ़ रहे हो उसके थ्रू आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो नहीं, ये आपकी गलत सोच है। क्योंकि आपको खुद को पता है सिलेबस कितना वास्ट है, अगर आप इतना सा ही पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो तो उससे कुछ नहीं होगा, होगा, बट क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप नेट क्लियर कर पाओगे, JRF नहीं हो पाएगा। क्योंकि JRF के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगानी पड़ती है। आपको आपका कम से कम 100 नहीं कहूँगी, 1000% देना पड़ेगा अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर अप करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप आपका शेड्यूल एक फिक्स कर लो कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। मुझे पता है बहुत सारे डिस्ट्रेक्शंस आपके लाइफ में आएगी, एग्जांपल्स भी दे देती हूँ क्या क्या होगे। सोशल मीडिया रहेगी सबसे पहले, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये दोनों जो है सबसे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप, मान लो आप कुछ देर पढ़ाई कर रहे हो, कुछ पास में ही आपने आपका मोबाइल रखा हुआ है, एक मैसेज की ट्यून बजी नहीं, फटक से देखो कि किसका मैसेज आया है, और वहीं पे आप आपका आधा 1 घंटा वेस्ट कर देते हो। तो ये सजेस्ट करूँगी, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लो अभी जैसे मैं लैपटॉप से कर रही हूँ, तो मैं मेरा फ़ोन भले मैं पास में रखती हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल के नेट से और वाईफाई से यूज़ करके करती हूँ, बट कई बार ऐसा भी होता है कि मैं मेरे मोबाइल को मेरे पास में ही रखती हूँ, तो मैं उसे साइलेंट मोड पे डाल के रखती हूँ, ताकि, और साइलेंट मोड पे भी रख के ऐसा नहीं कि स्क्रीन आपको दिखते रहे, तो स्क्रीन आपको दिखेगी तो वो हाईलाइट आएगा तो आप वैसे ही ओपन करोगे। मोबाइल को भी मैं उल्टा रखती हूँ ताकि मेरा ध्यान जाए नहीं। एक बना लो कि मतलब कम से कम 2 घंटा मैंने अगर पढ़ाई कर ली ना, तो उसके बाद में मैं 10 मिनट्स देख सकता हूँ मोबाइल को, या देख सकती हूँ मोबाइल को। तो इन 10 मिनट्स में अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आया हो किसी का तो वो आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा कॉल पे बात नहीं करनी है, ये डिस्कस नहीं करना है तेरा कितना पोर्शन हुआ है, मेरा कितना पोर्शन हुआ है। इसके वजह से आप सबसे ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील होते हैं। क्योंकि मान लो अगर आपके किसी फ्रेंड ने कह दिया है कि यार मेरा तो ये टॉपिक अच्छे से कवर अप हो गया है,
अब आपको टेंशन होने लगेगी यार, इसका ये इतना हो गया, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ ये पार्ट करके। तो वहां पे आप डिमोटिवेटेड फील होगी, आपको जेलेसी भी होगी कि यार ये इतना टाइम निकाल पा रहा है, मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा इतना टाइम। सबकी कैपेसिटी अलग होती है। अगर मान लो वो इंसान घर पे बैठा है, घर पे बैठा है पूरा टाइम उसका हो गया है, ठीक है, वो घर पे ही है होम, और उसके जगह आप जो हो आप वर्किंग हो, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके दिन के कम से कम 8 घंटे आपके जॉब प्लेस पे जाते हैं, तो वो इंसान के पास में वो 8 आवर्स तो एक्स्ट्रा है ही है, तो वो आपको ये बोल के डीमोटिवेट कर देगा कि यार ये तू तो जॉब कर रहा है, तेरे को टाइम नहीं मिलता है, तो उस वजह से और आपको डीमोटिवेटेड हो जाएगा। क्या हो गया, अगर 24 आवर्स में से आपके 8 घंटे आप आपके जॉब को डेडिकेट कर रहे हो, तो उसके बाद में भी तो आपके पास में 16 घंटे बचे हैं घर आके। अब इन 16 घंटे में से मान लो आप 6 घंटे की नींद निकाल रहे हो, कुछ तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, इसलिए कह रही हूँ 6 घंटे की आप आपकी नींद निकाल रहे हो, ठीक है, ऑन एन एवरेज 6 to 7 आवर्स, 6 आवर्स में कह रही हूँ आपको, बट ठीक है चलो 6 to 7 आवर्स आपको देखना, फिर भी आपके पास में बच रहे हैं 10 घंटे। अब इन 10 आवर्स को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो वो आपको सोचना है, वो आपको निकालना है आपका टाइम, क्योंकि सबका घर पे काम करने का तरीका या बाहर का काम करने का तरीका या कुछ भी अदर वर्क्स होते हैं सबका अलग अलग होता है। तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपके पास में ऑन एन एवरेज 10 आवर्स बचते हैं। मान लो उन 10 आवर्स में से भी आपके 3 4 घंटे, 3 घंटे मान लेते हैं हम, कोई भी आलतू फालतू काम में जा रहा है, मान लो घर के काम में जा रहा है, 1 घंटा आप यहाँ वहाँ टाइम पास करने में लगा रहे हो या कुछ भी हो, तो आप इसमें से भी आपका थोड़ा बहुत टाइम बचा के यहाँ पे एडअप कर सकते हो। अगर मैं 3 आवर्स भी बोलूँ ना, तो भी आपके पास में जॉब करने के बाद में भी 7 आवर्स बच जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो अब आप देखो टाइम तो आप भी निकाल सकते हो, बट क्या होता है पता है, हम टाइम पास कर लेंगे घर पे आके टीवी देखने में, टाइम पास कर देंगे फ्रेंड से कॉल पे बातें करने में, टाइम पास कर देंगे या वहाँ की गॉसिप्स में सुनने में ज़्यादा ध्यान लगा देंगे, यूट्यूब पे टाइम पास कर लेंगे, टिकटॉक पे टाइम पास कर देंगे। मैं खुद का एग्जाम्पल दे देती हूँ, मुझे टिकटॉक देखने की इतनी आदत हो गई थी ना, मतलब मैं एक खाली एक वीडियो देखने बैठूंगी ना, मैं लिटरली वहाँ पे 30 मिनट्स to 1 आवर तक टिकटॉक ही देखने लग गई बीच में, ऐसा हुआ था। मतलब एक से एक वीडियो चलाती जाती थी, चलाती जाती देखती रहती थी। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो मैं खाली फुकट देख देख के मेरा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इसके जगह मैं अगर मेरे MCQs लगा लूँ तो कितना फ़ायदा हो जाएगा मुझे। तो मैं अब उसको हटा ही दिया, साइड में रख ही दिया कि एग्ज़ाम के बाद में ही देखना है टिकटॉक या जो भी करना, मतलब ठीक है माइंड फ्रेश करना है तो 5 मिनट के लिए देख लो टिकटॉक, 5 मिनट के लिए यूट्यूब पे कोई म्यूजिक सुन लो, कोई भी चीज़ कर लो जिससे आपको रिलैक्सिंग फील होता है, ठीक है, तो वो आप 5 मिनट्स उधर डेडिकेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप टाइम डिवोट कर सकते हो, तो उससे आपके टाइम आपको कहाँ से कितना टाइम बच रहा है वो आप देख सकते हो। अब बहुत सारे जन ना जॉब के लिए भी जाते हैं तो उनके ट्रैवलिंग भी रहता है, किसी किसी को 1 आवर जाने की हो और 1 आवर आने को भी लग जाता है, तो यहाँ पे भी आप चलो 1 आवर में से आप 30 मिनट्स यहाँ के निकाल लो, यहाँ के 1 आवर में से भी 30 मिनट निकाल लो, तो भी आप 1 आवर यहाँ पे भी कवर अप कर सकते हो। तो आपको ये सोचना है कि टाइम तो मेरे पास में बहुत है, क्योंकि देखो 24 आवर्स दिन के हैं। अब ऐसा तो है ही नहीं कि आपको 24 आवर्स मिल रहे हैं तो मुझे कहीं कुछ ज़्यादा आवर्स मिल रहे होंगे, नहीं, सबको इक्वली टाइम है, बस देखना ये है कि आप कहाँ से कैसे एडजस्ट कर लेते हो उन्हें। तो ये तो हो गई आप कैसे पढ़ोगे, ठीक है, डोंट सी हियर एंड देयर वॉट अदर्स आर डूइंग, ये मैंने आपको समझा दिया है, बस आपको आपकी पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। आप खुद का टारगेट ऐसे बना सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि यार इस तरीके से मैं कर रहा हूँ तो मेरा नहीं होगा, तो आप एक ये चीज़ कर सकते हो, 1 मिनट, मान लो अभी यहाँ पे आज डेट हो गई है 4th of March, ठीक है, आज डेट है 4th, अब 4 से लेके नेक्स्ट 3 डेज का टारगेट, ठीक है, नेक्स्ट 3 डेज का टारगेट आपको सेट करना है कि इन आने वाले 3 दिन में आपको क्या क्या करना है,
वो आपके एक पर्सनल बुक आपको बनानी है, मैंने भी बना रखी है, जहाँ पे मैं अपना टारगेट लिख लेती हूँ। अभी सपोज मैंने लिखा है कि मेरे को इकोनॉमिक्स का ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये टॉपिक कवर अप करना है, मैंने साथ में वो भी लिख रखा है कि मुझे क्या करना है। तो जैसे ही अभी मान लो 3 दिन का टारगेट है वो मेरा, ठीक है, ऐसे पेपर वन का, पेपर टू का, पेपर टू में मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, अलग अलग टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं, इसी तरीके से पेपर वन का भी मैंने लिख रखा है। तो यहाँ से मेरा सपोज ये हो गया करके, तो मैं उसको इमिडिएटली क्रॉस कर दूंगी, ऐसे पूरा उसको क्रॉस कर देती हूँ। फिर मेरे को याद आएगा हाँ अभी मेरा इतना ही बाकी है। मतलब जब आप वो चीज़ करते हो ना, तो आपको खुद को भी लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरा हो रहा है। तो चीज़ें कंप्लीट करने पे भी आपको मोटिवेशन मिलती है। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपको हो जाए ना पढ़ के, आप खुद को रिवॉर्ड भी दो, डेली गिव रिवॉर्ड टू योर सेल्फ। रिवॉर्ड में अगर आप चाहिए तो एक आप खुद को रिवॉर्ड दोगे कि चलो ठीक है मेरा ये हो गया, अब आज मैं एक आइसक्रीम खा लेती हूँ, या आप एक चॉकलेट खुद को दे दो, या आपका 10-15 मिनट किधर कुछ खेलने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए चले जाओ, क्रिकेट खेलने के लिए चले जाओ, मतलब खुद को ऐसा रिवॉर्ड देते रहो, तो उससे आपको पढ़ने का मन होता रहेगा। ठीक है, टारगेट तो मैंने आपको बता दिया आपको टारगेट कैसे देना है। सोशल मीडिया से मैंने भाई आपको कहा दूर हो जाओ 3 महीनों के लिए, और सिर्फ उतना ही यूज़ करो जितना आपको लग रहा है कि यूज़फुल है। अभी बहुत सारे ऐसे भी व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास में होंगे, जहाँ पे ग्रुप तो बना रखा होगा आपने पढ़ाई के लिए, ठीक है, पर वहाँ पे कुछ पढ़ाई के रिलेटेड बात नहीं होगी, गुड मॉर्निंग गुड नाइट होगा, और आलतू फालतू मैसेजेस होंगे, यहाँ वहाँ की चिट चैटिंग करोगे, ये ऐसा है वो वैसा है, मतलब वही सब फालतू बातें लगी हुई रहेगी। तो ऐसे ग्रुप को लेफ्ट आउट कर दो। और उसके अलावा अगर आप आपका टारगेट अचीव नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ खुद को एक्सक्यूजेस मत दो कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आपको टाइम निकालना है खुद से। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप जॉब पे जा रहे हो, फिर भी आप कैसे आपका टाइम निकाल सकते हो पढ़ाई करने के लिए। आपको खुद के लिए पढ़ना है, आपको आपके बेटर फ्यूचर के लिए पढ़ना है। अगर आज आपका नेट क्लियर हो जाता है, तो आप कोई भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह पे पढ़ा सकते हो, और पे स्केल भी आपको अच्छा मिलेगा। और अगर आप GRF क्लियर कर लेते हो, तो आप रिसर्च कर सकते हो, उसमें भी आपको गवर्नमेंट के थ्रू स्कॉलरशिप मिलेगी। ये माइंड में बैठा के रखो कि आपको आपका ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि अगर अभी आपने ये 3 महीने में पूरा ध्यान नहीं दिया है, तो नेक्स्ट आने वाले 6 महीने में आपको फिर से वही सब पढ़ना पड़ता है। और मान लो आपने 70% पोर्शन पढ़ लिया है, या 50% भी मान लो आपने पढ़ लिया है, नेक्स्ट 6 मंथ अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो आपको वो सब टॉपिक स्टार्टिंग से स्टार्ट करके पूरा एंड तक जाना पड़ता है। तो क्या आपको 6 महीने फिर से दोहराने हैं, फिर से पढ़ना है क्या? वैसे नहीं, अभी ही कर लो अच्छे से, ताकि बाद में अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको इसके थ्रू थोड़ा तो मोटिवेशन मिला होगा कि आपको किस तरीके से करना है, कैसे पढ़ना है। फिर भी अगर आपको थोड़ा भी डीमोटिवेशन फील होता है, मुझे कह देना, मैं ऐसे एग्जांपल आपको दूंगी, तो आप फिर से कहोगे नहीं करना करना है, तो अब भी करना, बाद में टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, फीडबैक ज़रूर देना, दे देना कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कर देना, और फ्रेंड्स के साथ में शेयर अप कर लेना। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।